मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। सांसों को आजाद रहने की इजाजत कुदरत के अलावा भला कौन दे सकता है। गुलामी के जंजीरों में जकड़े बदन में भी सांसें आबाद रहती हैं, जो रगों में घुलती हैं तो जिंदगी बेपरवाह पटरी पर दौड़ती है। यही सांसें थम जाएं तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कहते हैं सांसों पर कुदरत का कंट्रोल होता है, लेकिन एक जमाना था जब उसकी धमक से लोगों की सांसें रुक जाया करती थी। उसकी इजाजत के बिना आसमान में परिंदों के उड़ने पर भी पाबंदी थी। उसका अचूक निशाना शब्द वेधी बाण की तरह हमेशा ठिकाने पर जाकर लगता था। 1963 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक रसूख परिवार में जन्मा मुख्तार अंसारी, जो स्कूल में पढ़ाई करते करते एक दिन अपराध और जरायम की सबसे बड़ी डिग्री लेने निकल पड़ा। गुनाहों की फौलादी पटरियों पर फर्राटा भरते भरते उसने सियासी गलियारों में एंट्री मारी और फिर सियासी अंडरवर्ल्ड का सबसे दुर्दांत हत्यारा बन गया। संविधान में रक्त चरित्र की शायद ही ऐसी कोई धारा और पूर्वांचल के थानों में शायद ही ऐसा कोई रजिस्टर होगा जो मुख्तार अंसारी के नाम से अछूता होगा। गैंगबाजी, गुंडागर्दी, आतंक और अपराध की उसकी अनगिनत कहानियां हैं, जिसके छींटों से आज भी पूर्वांचल की धरती लाल है। किसी के लिए नायक तो किसी के लिए दुर्दांत हत्यारा, जिसके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कभी संघर्ष किया, जिसके नाना ने वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर अपना खून बहाया, पिता जिनकी विरासत में उसे सियासत मिली, जो खुद कभी एक होनहार क्रिकेटर हुआ करता था, क्रिकेट के मैदान पर अपनी गेंदों से तूफान लाने वाला ऊंचे कदकाठी का एक नौजवान, कब जुर्म, अपराध और अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का जाना माना नाम बन गया। इसकी एक, दो या फिर तीन नहीं बल्कि कई धूमिल कहानियां हैं। ये कहानी है पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी की, जिसने जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद कई खूनी अध्याय लिखे। रसूखदार परिवार और नामचीन हस्तियों की सरपरस्ती में बचपन से जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते मुख्तार अंसारी कैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे खूंखार अपराधी बन गया, विश्वास नहीं होता। जिसके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ब्रिटिश जमाने में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1926 से 1927 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हों, महात्मा गांधी के बेहद करीब रहकर 1930 के नमक आंदोलन में शामिल हुए हों, जिसके नाना ब्रिगेडियर उस्मान खुद महावीर चक्र विजेता रहे हों, पिता गाजीपुर के कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हों, उसी खानदान का एक नौजवान आतंक की तमाम खूनी दास्तां लिखने निकल पड़ा और फिर एक दिन अपराध का सबसे क्रूर चेहरा बन गया। 1970 का दौर था, सरकार ने पिछड़े पूर्वांचल के विकास के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया था। यहीं से तमाम लोगों के लिए मौका और नौजवानों में लालच पैदा हुई। अब युवा पहले के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज जाकर IAS IPS की तैयारी करने की बजाय पूर्वांचल में ठेकेदारी की तरफ मुड़ गए। कोयले, रेलवे ट्रैक और खनन की ठेकेदारी ने युवाओं के भीतर लालच और वैमनस्य पैदा कर दिया। यहाँ से शुरू हुई लड़ाई पूर्वांचल में वर्चस्व की, जिसमें गैंगवार, हत्या, अपहरण जैसी तमाम खूनी इबारतें लिखी जाने लगी। दो खूंखार खूनी किरदारों के वर्चस्व की लड़ाई में पूर्वांचल की धरती बारूदों की आग से सुलगती रही। यही वो दौर था जब पूर्वांचल में अपराध और आतंक का पावर सेंटर गोरखपुर में हुआ करता था। तिवारी बनाम शाही गैंग की इस लड़ाई में गाजीपुर के तमाम युवा शामिल होने लगे। इसी बीच मुख्तार की दोस्ती साधु सिंह से हो गई और मुख्तार मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। साधु और मखनू सिंह की गैंग की लड़ाई साहेब सिंह गैंग से थी। यहीं से मुख्तार के आपराधिक सफर की शुरुआत हुई। 1988 में अपराध की दुनिया में मुख्तार का तेजी से कदम बढ़ता जा रहा था। तभी मोहम्मदाबाद के मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। इस हत्या में पहली बार मुख्तार का नाम सामने आया।
इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की बनारस में हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप भी मुख्तार पर लगा। इसी दौर में सबसे तेजी से पनप रहा पूर्वांचल का एक और सबसे बड़ा डॉन ब्रिजेश सिंह। ये वो समय था जब त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह के दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, लेकिन बनारस में राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद दोनों के बीच खूनी दुश्मनी की शुरुआत हुई। दोनों गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आमने सामने हुए तो पूर्वांचल की धरती गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी। इधर मोहम्मदाबाद में विधायक भाई अफजाल की सरपरस्ती में मुख्तार अपने आपराधिक सल्तनत को फैलाने लगा। अब मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य की सीमा गाजीपुर से निकलकर वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ तक पहुंच गई थी। तभी 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या हो गई। इस हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम आया। इसके बाद तो मुख्तार की पहचान एक सीरियल किलर के रूप में हो गई। कहते हैं 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर फरार हो गया। इसके बाद मुख्तार पर्दे के पीछे रहकर पूर्वांचल में रेलवे, कोयला, स्क्रैप जैसे तमाम ठेकों को हैंडल करता रहा। तभी 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ तो एक बार फिर मुख्तार का नाम सुर्खियों में आया। मुख्तार का नाम अब तक गैंगवार या वर्चस्व की लड़ाई में जुड़ता रहा था, लेकिन एएसपी उदय शंकर की हत्या के बाद मुख्तार के इस आतंकी साम्राज्य पर संकट खड़ा हो गया। यही वो दौर था जब लखनऊ में बैठी कल्याण सिंह की सरकार अपराधियों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने पर उतर आई थी। गोरखपुर का कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला कल्याण सिंह की सरकार में ढेर किया जा चुका था। अब मुख्तार को भी लगने लगा था कि अगर अब भी माकूल जगह नहीं मिली तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तभी प्रदेश में सरकार बदल गई और मुख्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। अब अपना साम्राज्य बचाने के लिए बंदूक और बारूद से खेलने वाला मुख्तार अपराध की इंटरसिटी पकड़कर लखनऊ आ गया और खादी चोला ओढ़ लिया। 1996 में मुख्तार जेल से ही विधायक बन गया। इसके बाद प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी रही, मुख्तार का हर सरकार में दखल रहा। वो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीतता रहा। प्रदेश में चाहे सपा की सरकार रही या बसपा की, मुख्तार हर सरकार में बराबर दखल बनाए रहा। एक समय ऐसा भी आया जब सियासी दलों के लिए सीटें और समीकरण जुटाने वाला मुख्तार अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाकर यूपी में बड़े बड़े सियासी दलों को गठबंधन के लिए मजबूर कर दिया। 2017 में प्रदेश में योगी सरकार आ गई। अपने चरम पर रहकर मुख्तार ने योगी को कभी संसद में रोने को मजबूर कर दिया था। यूपी के सत्ता की शपथ लेते ही योगी ने चुन चुन कर मुख्तार सहित बड़े बड़े माफियाओं का हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। 2017 में मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हुई, फिर एक एक कर उसके साम्राज्य ढहाए जाने लगे, उसके आतंक की कुंडली खंगाली जाने लगी और अपराध के बलबूते खड़ी की गई इमारतों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। मुख्तार के आतंकी इतिहास में 44 साल बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो मामलों में सजा सुनाई है। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी फिलहाल सियासी विरासत तो संभाल लिया है, फिर भी किसी जमाने में मुख्तार की लिखी खूनी इबारतें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अवैध हथियारों और अधिकारियों को धमकाने के मामले में अब्बास अंसारी भी भागा भागा फिर रहा है। फिलहाल अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। प्रदेश की पुलिस उसे अलग अलग लोकेशन पर पिछले कई महीनों से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।